बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। वे रविवार को वैशाली जिला के महुआ में व्यवसायियों द्वारा आयोजित एक अपराध नियंत्रण गोष्ठी में भाग लेने जा रहे थे। रास्ते में महुआ से करीब 10 किलोमीटर पहले एक बड़ी बस अपना लेन छोड़कर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में अचानक बिल्कुल गलत लेन में सीधे उनके गाड़ी के सामने आ गई। डीजीपी के ड्राइवर ने बुद्धिमानी से काम लिया और अचानक ब्रेक लेकर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया। बस की डीजीपी के गाड़ी से सीधी टक्कर होते होते बच गई। इसकी जानकारी खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक वॉल पर दी है। उन्होंने बताया है कि ईश्वर का आशीर्वाद है और बिहार की 12 करोड़ लोगों की दुआओं का असर है कि उन्हें और उनके साथ बैठे हुए अंग रक्षकों को एक खरोच तक नहीं आई। डीजीपी की गाड़ी और बस के बीच मुश्किल से 1 इंच का फासला बचा था। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद से उन्हें ढेर सारे फोन कॉल्स आने शुरू हो गए। इससे वे परेशान हो चुके हैं। वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अभी मुख्यालय में ही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस संबंध में उन्हें अब कॉल नहीं करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर यही वीडियो आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।